बैंगलोर पैलेस कर्नाटक के बैंगलोर में ऊंचे स्थान पर सुंदर बगीचों के बीच में स्थित है। यह लंदन के विंडसर कैसल की झलक देता है। यहां आकर आपको एहसास होगा मानो आप इंग्लैंड के किसी किले में घूम रहे हैं। महल का डिजाइन इंग्लैंड के विंडसर किले से प्रेरित है। बेंगलुरु पैलेस शहर के बीचों बीच स्थित पैलेस गार्डन में स्थित है। यह सदशिव नगर और जया महल के बीच में है। इस महल के निर्माण का काम 1862 में श्री गैरेट द्वारा शुरू किया गया था। इसके निर्माण में इस बात की पूरी कोशिश की गई कि यह इंग्लैंड के विंसर कैसल की तरह दिखे। 1884 में इसे वाडेयार वंश के शासक चमा राजा वाडेयार ने खरीद लिया था। यह लगभग 45,000 वर्ग फीट में बना हुआ है। महल की खूबसूरती देखते ही बनती है। जब आप आगे के गेट से महल में प्रवेश करेंगे तो आप मंत्रमुग्ध हुए बिना नहीं रह सकेंगे। अभी हाल ही में इस महल का नवीनीकरण भी किया गया है। महल के अंदरूनी भाग की डिजाइन में तुदार शैली का वास्तुशिल्प देखने को मिलता है। महल के निचले तल में खुला हुआ प्रांगण है। इसमें ग्रेनाइट के सीट बने हुए हैं जिस पर नीले रंग के क्रेमिक टाइल्स लगे हुए हैं। रात के समय इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। महल की शुरुआत नीले फ्लोरोसेंट टाइल युक्त ग्रेनाइट सीटों से सुशोभित एक विशाल आंगन द्वारा होती है। परिसर के अंदर एक नृत्य कक्ष है जिसमें राजा द्वारा आयोजित निजी पार्टियों का आयोजन किया जाता था। महल को मुख्य रूप से पीले रंग में रंगा गया है। इसकी पहली मंजिल पर एक दरबार हॉल है जिसमें सभाओं और बैठकों का आयोजन किया जाता था। महल के अन्य आकर्षणों में एक विशाल हाथी का सिर, मैसूर के दीवान की एक डाइनिंग टेबल, हाथियों की पोशाक और जॉकी युक्त वजन करने वाली एक कुर्सी शामिल है। बेंगलुरु महल एक लुभावना राजसी आश्चर्य से भरा हुआ और श्रेष्ठता का एक आकर्षक अवतार है। प्राचीन काल की वास्तुकला की कुशलता को समझने के लिए यह सबसे अच्छी जगहों में से एक है। तो ये थी कर्नाटक के बेंगलुरु पैलेस के विषय में कुछ जानकारी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऐसी ही अनेकों जानकारियां पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।